नमस्कार मित्रों, श्री मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। जानते हैं 3 जुलाई 2021 शनिवार का दिन किस राशि के लिए कैसा रहेगा दैनिक राशि भविष्य में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों को आज का दिन व्यावसायिक संबंधित मामलों में आपके मन में नए नए विचार आएंगे। उसमें खास करके अगर किसी मित्र की सलाह ले लें तो आपका काम बनने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी, आपको सफलता भी काफ़ी अच्छी प्राप्त हो सकती है। लेन देन के मामले में यानी आर्थिक व्यवहार के मामले में किसी बड़े की सलाह लेकर आगे बढ़ें ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और साथ में लाभ के अवसर भी प्राप्त हो सके। परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। संतान संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से आपको ज़्यादा खुशी प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य आज आपका काफी हद तक अच्छा रहेगा। चलते हैं वृषभ राशि वालों की ओर। वृषभ राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज पुराने लेन देन को लेकर विवाद जैसी परिस्थिति बन सकती है। आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन जो है वो खुशियों भरा रहेगा, लेकिन पुरानी समस्याएं खत्म होने के कारण आपको ज्यादा पारिवारिक खुशी महसूस हो सकती है। परिवार के सदस्यों में भी खुशहाली का माहौल बन सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपको जंक फूड खाने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो फूड पॉइजन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। चलते हैं मिथुन राशि वालों की ओर। मिथुन राशि वालों को कार्य क्षेत्र से संबंधित मति भ्रम करने वाले और जो बुरे ख्याल दिमाग में आते थे या उससे आप उलझे हुए थे, उसमें किसी ज्ञानी व्यक्ति का आज आपको सलाह मिलने से, ज्ञानी व्यक्ति का साथ मिलने से, उनका मार्गदर्शन मिलने से, वैसे ख्यालों में से आज आप बाहर आएंगे जिससे आपकी व्यावसायिक परिस्थिति अच्छी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक जीवन में आपने अगर किसी के साथ में, जैसे बहुत ही नजदीक भूतकाल में आपने किसी के साथ में कोई गैर बर्ताव किया है, कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया है, तो आज आपका दिन काफी अच्छा है। आपका पश्चाताप कर लेना चाहिए, आपको पश्चाताप मिल जाएगा और परिवार का माहौल भी आपको खुशनुमा दिखाई देगा। मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जिनको शिकायतें हैं उनको आज काफी अच्छा दिन रहेगा, क्योंकि आज मानसिक परेशानी आपको कम होते हुए दिखाई देगी। साथ में मानसिक परेशानी अगर ज्यादा है तो कोई अच्छे अनुभवी व्यक्ति की सलाह मिलने से आपको उसमें से छुटकारा पाने के संयोग बन रहे हैं। चलते हैं कर्क राशि वालों की ओर। कर्क राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज सफलता आपके कदम चूमने वाली है, इसलिए लक्ष्मी टीका करने आने वाली है, तो अपना दरवाजे बंद ना रखें। अगर कोई भी कर्क राशि वाला व्यक्ति कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो आज आपको तरक्की के काफी अच्छे संयोग बन रहे हैं, काफी अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं और वो अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आप कुछ खास प्रकार के व्यावसायिक रिश्तों को आज मजबूत बनाने की कोशिश भी आप करते रहेंगे, वो भी प्रयत्न में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। घर परिवार में किसी अतिथि के आगमन से दिन भर आपको व्यस्तता वाला दिन दिखाई देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज डिहाइड्रेशन या तो चमड़ी सूखी होना यानी ड्राई स्किन का आपको आपको तकलीफ हो सकती है, जिससे हो सके उतना पानी या तो जिसको लिक्विड चीजें बोलती हैं, जो तरल पदार्थ हैं, वो ज्यादा आज ग्रहण करने की कोशिश करें ताकि आपको ये परेशानी ना हो। चलते हैं सिंह राशि वालों की ओर। सिंह राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज कोई नया काम करने की आप जो सोचेंगे उसमें आज सफल भी हो पाते हैं हो पाएंगे। करियर में कुछ नए आयाम स्थापित करने की दिशा में आज आपकी योजनाएं बनने वाली हैं और वो योजनाएं आपको बहुत ही अच्छे मुकाम पर लेके जाएगी। किसी धार्मिक प्रवास या तो धार्मिक कार्य का आयोजन या उसका प्लानिंग आज आपके घर में खुशियों भरा माहौल पैदा करेगा। स्वास्थ्य में गले से संबंधित तकलीफ या तो स्वर पेटी से संबंधित तकलीफ होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे तो कृपया उसके प्रति आप लापरवाह ना रहें, हो सके तब तक तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके उसकी जांच करवा के उसकी ट्रीटमेंट करवाइए ताकि उसमें परेशानी बढ़े नहीं। चलते हैं कन्या राशि वालों की ओर। कन्या राशि वालों को कार्य क्षेत्र में आज के दिन व्यावसायिक परिवेश में आपके काम को लेकर प्रशंसा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जिससे आपको काफी खुशी महसूस होगी। आर्थिक पक्ष भी आज आपका मजबूत होगा, जिससे जो आर्थिक तंगी में से जो लोग चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पर थोड़े थोड़े बहुत आशा का किरण दिखाई देगा। घर परिवार में खुशियों भरा माहौल रहेगा।
वहां पर से आपको कोई भी तनाव महसूस नहीं होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य भी सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा। चलते हैं तुला राशि वालों की ओर। तुला राशि वालों को आज कार्य क्षेत्र में एक्स्ट्रा काम करने के वजह से जो रुका हुआ आपका काम होगा वो आज जल्दी पूरा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन किसी भी तरह के विवादों में आप उतरे नहीं या किसी के साथ विवाद में पड़े नहीं, वो आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी, नहीं तो आपको मानसिक परेशानी होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। परिवार वालों में किसी की राय की वजह से आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जिससे आपके आपको पारिवारिक जीवन से भी आपको खुशी महसूस होगी। चलते उठते बैठते कहीं पर भी जो आप सोच विचार करने की आपकी आदत है या तो अभी के समय में जो आपकी वो आदत बनी हुई है उसकी वजह से, या तो खाने पीने में जो आप समय में बदलाव करते हो या खाना पीना कहीं पर भी कुछ भी खा लेते हो उसकी वजह से आपको आज पेट में जलन महसूस होने की संभावनाएं रहेंगी। हो सके तब तक खाने पीने के समय को ज़्यादा बदलाव ना करें और अपने सोच विचार के ऊपर यानी अपनी भावनाओं के ऊपर आप काबू रखने की कोशिश करें, जो आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद साबित होगा। चलते हैं वृश्चिक राशि वालों की ओर। वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन में आपकी जो कार्यक्षेत्र की योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित करने के लिए बहुत ही अच्छा संयोग है, लेकिन थोड़े समय के लिए उसके ऊपर विचार कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी आपकी योजनाएं इंप्लीमेंट करनी है उसका अमल करना है उसमें आपको सफलता हासिल हो पाए। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका सामान्यतः अच्छा रहेगा, कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलते हैं धनुराशि वालों की ओर। धनुराशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में आपकी किसी रचनात्मक खोज के कारण प्रशंसा होगी और आपको एक नई पहचान मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। किसी भी प्रकार की नवीनता लागू करने के लिए आज का दिन थोड़ा तकलीफदायक है, थोड़ा डिफिकल्ट है। हो सके तब तक दो बार सोच विचार करने के बाद में किसी भी प्रकार की नवीनता को लागू करें, नहीं तो आपको आने वाले भविष्य में वो महंगा पड़ सकता है। और जो कीमतों पर आपको खर्चा नहीं करना है व्यवसाय में, जो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कीमती हैं अभी के समय में उसके ऊपर खर्चा करना ज़रूरी नहीं है, वैसी चीज़ों के ऊपर खर्चा करने से परहेज करें, नहीं तो आर्थिक तंगी भी महसूस होने की संभावनाएं रहती हैं। आपके प्रियजनों के देखभाल और उनके प्यार के कारण आज का दिन आपको पारिवारिक जीवन में ऊर्जा बढ़ाने वाला साबित होगा। शरीर में जिनको ज़्यादा गर्मी का प्रकोप है या तो जिनके शरीर में ऑलरेडी अंदर का जो उनका अंदरूनी गर्मी का जो स्तर है वो ज़्यादा रहता है उनको आज थोड़ी परहेज ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी की वजह से होने वाली मानसिक व्यग्रता या ड्राई स्किन जिसको हम लोग बोलते हैं, चमड़ी जो सूखी होती है, वैसी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है और उससे भी परेशानी हो सकती है। तो हो सके उतना अपने बॉडी को आज ज़्यादा मॉइस्चर रखने की कोशिश करें जिससे आपको परेशानी कम हो। चलते हैं मकर राशि वालों की ओर। मकर राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिखेगा। वरिष्ठ अधिकारी भी आज आपके काम से खुश होंगे जिससे आपको बहुत ही प्रसन्नता महसूस होगी। आपके जो वर्क प्लेस पे यानी आपके कार्यक्षेत्र में जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ में कहीं पर लंबी टूर पर या तो घूमने फिरने जाने का नियोजन भी हो सकता है, जो भी वो भी आपको मानसिक प्रसन्नता देगा। परिवार के साथ में समय बिताने के कारण परिवार के सदस्यों में भी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। सेहत आज उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत दिखेगा, वैसे ज़्यादातर अच्छी ही रहेगी, लेकिन थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के कारण आपको थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी होने की संभावनाएं रहती हैं। चलते हैं कुंभ राशि वालों की ओर। कुंभ राशि वालों को आज आपकी जो नए कार्यों के प्रति है रुचि जो है वो बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, उसके कारण आपको कुछ नया सीखने मिलेगा और वो चीज़ आपके आने वाले व्यावसायिक भविष्य में बहुत ही उत्तम साबित हो सकती है। आप काम के प्रति पूरा अपना भावनात्मक रूप से उसके प्रति डेडिकेशन करेंगे, उसके प्रति अपना समय देंगे और वो मेहनत आपको पूरा फल आपके भविष्य में देने वाली है। पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहेगा, आज आपको खुद को सेहतमंद महसूस होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। चलते हैं मीन राशि वालों की ओर। मीन राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आज अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा। किसी ऐसे व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके आगे आने वाले दिनों में
आपको व्यावसायिक तौर पर बहुत ही मददगार साबित होगी और आपकी जो योजनाएं हैं वो योजनाओं को पूरा करने में वो आपको मदद करेगी। पारिवारिक माहौल काफी सहयोगी महसूस होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से जिनको श्वसन से संबंधित या तो कफ से संबंधित या जिनको दमे से संबंधित तकलीफ है उनको किसी भी प्रकार की एलर्जी से आज बचने की सलाह दी जाती है। तो मित्रों, ये थी राशि भविष्य की जानकारी। ऐसी ही दैनिक राशि भविष्य की जानकारी के लिए आप हमारे श्री मंदिर ऐप को डाउनलोड कीजिए, साथ में हमारे श्री मंदिर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही राशि भविष्य की जानकारी के साथ में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा कल इसी समय पर। तब तक के लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि आपको और आपके परिवार को सेहतमंद रखे, खुशहाल रखे, आपसे मैं आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।